नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित का एक बेहतरीन फैक्ट लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि 2 का 5 बार आपको प्रयोग करना है और गणित के सभी संक्रियाओं का उपयोग आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 का ही प्रयोग करना है, वो भी 5 बार, और आपको 0 से लेके 9 तक के अंक प्राप्त करने हैं। जी हां दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है कि हम 2 का ही प्रयोग करें, गणित के सारी संक्रियाओं का प्रयोग कर लें और हम उसको 5 बार ही प्रयोग करें और हमको 0 से लेकर 9 तक के अंक प्राप्त करने हैं? हर बार आपको इस प्रकार करके बताना होगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। और दोस्तों, गणित के ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट वाले अंकों का मायाजाल, या फिर ये कहा जाए गणित के जादुई ट्रिक, मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, जो बहुत ही मजेदार होते हैं। और इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें 2 का 5 बार प्रयोग करना है, तो इसको तो हम मिटा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्रमशः स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा 2 का 5 बार प्रयोग करना है। चलो मैं पहले 2 को लिख देता हूं 5 बार, 1, 2, 3, 4 और 5 बार। उत्तर में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहां पर मैं कोई भी संक्रिया का प्रयोग कर सकता हूं। तो यहां पर मैं कौन कौन सी संक्रिया को प्रयोग करूं जिससे हमारा उत्तर जो है आसानी से 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, यहां पर यदि मैं प्लस लगा देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं माइनस लगा देता हूं, लेकिन यहां पर मैं भाग की संक्रिया लगा दूं। अब यहां पर मुझे कौन सी संक्रिया और लगाना पड़ेगा कि हमारा उत्तर जो है क्या आ जाए, 1 आ जाए। निश्चित रूप से यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपके पास यहां पर 2 बचेगा और माइनस 2 में 2 कटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और आपका उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो हो गया पहला ट्रिक, हमने 1 ला लिया। अब देखिए, हमें 2 लाना है, 2 का ही 5 बार प्रयोग करना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 लाना कितना है, इस बार 2 लाना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, माइनस करेंगे। अब यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए, निश्चित रूप से यदि मुझे 2 लाना होगा तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पुनः माइनस करना होगा। ऐसा करने से देखिए, ये प्लस है क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनफल नहीं है, तो ये क्या है, प्लस ही है। तो ये प्लस इस प्लस को माइनस कर देगा, घटा देगा, ये वाला प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। आपके पास यहां पर प्लस का चिन्ह लगाना होगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका मान भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो निश्चित रूप से यहां पर भी हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको ध्यान देना है, यदि 3 लाना है भाई, अब देखिए मैं 3 ला रहा हूं, लेकिन चलिए यहां पर हम 2 को पुनः 5 बार लिख लेते हैं, 2, 2, 2, 2 और 2। अब हमें कितना लाना है, 3 लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कौन सी संक्रिया लगा देंगे, चलो इसमें हम प्लस की संक्रिया लगा देते हैं, ये 4 हो जाएगा। यहां पर हम माइनस की संक्रिया लगा देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, हमको लाना तो उत्तर में कितना है, 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर तो आपको करना होगा प्लस, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, भाग की संख्या लगा देना है। भाग की संख्या लगाने से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहां पर माइनस 2 लिख देते हैं, और इसको तो आप हल करेंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहां पर देखिए, या तो आप इसमें जोड़ दीजिए या फिर इसको हल करिए। तो देखिए, 2 में 1 जोड़ेंगे, है ना, माइनस 2 में, तो कितना आएगा, 1 आएगा, ऋण 1 आएगा। तो 4 - 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पर भी हमारा उत्तर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया है। अब हमें क्या करना है, यदि हमें 4 लाना है, चलो ठीक है, 4 लाकर देखते हैं यहां पर 4 कैसे आएगा, जबकि हमें प्रयोग करना है 2 का ही, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। अब हमें कितना लाना है, 4 लाना है। तो क्या 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, इसको जब हम गुना करेंगे कितना आएगा, 2 दुनी 4 और 4 दुनी 8 आएगा। निश्चित है 4 लाना है, तो मुझे यहां पर और 4 घटाना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना है, और यहां पर भी माइनस करना है, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा -4। तो बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन भाई 5 हम कैसे लाएंगे, ये समस्या है। तो आइए 5 भी लाकर देख लेते हैं, 5 कैसे आएगा। ठीक है, अब 2 को फिर से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार 2 लिख लिया, लाना कितना है, 5 लाना है। तो इसमें हमें कौन सी संक्रिया अपनाना होगा, ध्यान से देखिएगा। सिंपल सी बात है, यदि इसको हम जोड़ दें, इसको भी जोड़ दें, अब यहां पर माइनस लगाएं और इसको हम भाग दे दें। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। यहां पर इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस इसको हम कटाएंगे तो 1 आएगा, और 6 में 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5
आ जाएगा। अब छह लाना तो सबसे आसान है ना, क्योंकि छह लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब छह लाने के लिए लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, क्योंकि दो 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 और दो लाना कितना है, छह लाना है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे गुना करेंगे, यहां पर आप गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, दो दुनी चार, इसको आप प्लस करिए, फिर यहां पर फिर आप गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, चार, और इसको आप कर दीजिए माइनस। तो देखिए चार और चार कितना होता है, आठ माइनस दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। चाहे तो आप यहां पर ये भी कर सकते थे, यहां पर देखिएगा अगर आप सभी को जोड़ देते हैं ना, यहां पर प्लस कर दीजिए, यहां पर भी प्लस कर दीजिए, सबको आप जोड़ेंगे और लास्ट में दो घटाएंगे तब भी ये कितना आ जाएगा, दो चार छह और आठ आएगा। तो यहां पर भी आप ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन अब देखिए आगे हम देखते हैं, यदि हमें क्या करना हो, सात लाना हो, चलो तो दो 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 और दो, एक दो तीन चार पांच बराबर, हमें कितना लाना है, सात लाना है। तो सात लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए हमें विशेष प्रकार के तरीके का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आसानी से सात तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हमें सात लाना ही है तो हमें कुछ विशेष तरीके अपनाने होंगे। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें पांच बार लिखना है, ये तो तय है, तो हमने पांच बार तो लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या दिख रहा है उसको हमें एक साथ लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, देखिएगा अगर इसको मैं एक साथ लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बाईस हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे बाईस में आपको दो से भाग देना है, यहां पर आप भाग दे दीजिएगा, दो से भाग दे दीजिएगा, भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 11। अब 11 में यदि आप 4 माइनस कर देते हैं, मतलब यहां और यहां है ना, इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये भी हो गया। अब देखिए 8 कैसे लाएंगे, तो 8 भी आसानी से लाया जा सकता है, सभी संख्या आपको लाकर दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग जरूर लग रहा होगा। अब मुझे क्या लाना है, 7 तो हमने ला लिया, अब हमें लाना है 8। 8 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गुना 2 गुना 2 कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से कितना रहा, 2 दुनी 4 और 4 दुनी कितना हो गया, 8 तो हो गया है, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमें लाना कितना है, 8। लेकिन ये कितने बार यूज हुआ है, 1 2 3 बार, तो यहां पर क्या करिए, माइनस 2 करिए और यहां पर प्लस 2 करिए, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें लाना है 9 और 0। तो 9 कैसे लाएंगे, तो इसके लिए आवश्यक होगा आपको इसी 8 में क्या करना है, इसी 8 में आपको जोड़ना पड़ेगा 1। तो निश्चित रूप से इसी प्रश्न को यदि मैं थोड़ा से सुधार दूं, क्या सुधार दूं, यहां पर प्लस कर दूं और यहां पर मैं 2/2 कर दूं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इसको हम कटाएंगे तो 8 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए 9 भी हमने आसानी से ला लिया। अब शून्य लाना है, तो शून्य लाने के लिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस फटाफट करिए और आपका शून्य आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपने 2 लिखा है, एक बार लिखा, फिर आप क्या करिए, एक बार हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर फिर माइनस करिए, एक बार यहाँ पर लिखा, देखिए 1 2 3 4 5 बार लिख लिए, क्या इसका उत्तर जो है आप जो चाह रहे थे कितना लाना है, शून्य लाना है, तो शून्य आ जाएगा, इसको कटाइए एक आएगा, इसको कटाएंगे एक आएंगे, 2 -1 -1 बराबर हमें लाना कितना था, शून्य। तो यहाँ पर 2 - 2 बराबर शून्य। तो निश्चित रूप से यह गणित आपको समझ आ गया होगा, यह एक गणित का इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसी प्रकार के बेहतरीन फैक्ट वाले वीडियो मैं बनाते रहता हूँ ताकि बच्चे को बहुत ही मजा आए, और निश्चित रूप से यह वीडियो आप बच्चों को शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही गणित के और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।